ब्रेक के बाद खबर मिर्जापुर से, जहां पर राजा भैया की पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। जनसत्ता दल ने एसपी को समर्थन दिया है। जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। एसपी ऑफिस पहुंचकर ये समर्थन पत्र सौंपा गया। राजा भैया पर अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद सियासत बदल गई। खुलकर राजा भैया समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त मिर्जापुर से, अनुप्रिया पटेल जो कि सांसद है और मौजूदा वक्त में एनडीए की उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने राजा वाला एक बयान दिया था और उस बयान के बाद जनसत्ता पार्टी के साथ ऐसी तलखी बढ़ी, राजा भैया के साथ ऐसी तलखी बढ़ी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन का ऐलान कर दिया और अब यह समर्थन पत्र भी एसपी को सौंप दिया गया है। जनसत्ता दल की ओर से एसपी को समर्थन दिया गया है। ये समर्थन पत्र भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप इस पर रघुराज प्रताप सिंह तस्वीर भी देख सकते हैं। ऑफिशियल लेटर हेड पर, पार्टी के ऑफिशियल लेटर हेड पर ये चिट्ठी समर्थन लिख करके एसपी को सौंपा गया है। सुमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुमित, अब तो समर्थन का भी ऐलान के साथ साथ समर्थन पत्र भी सौंप दिया गया, मिर्जापुर के सियासत पर क्या असर, कितना असर? बिल्कुल, आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ में एक बयान दिया था जिसके बयान के बाद से नाराजगी चल रही थी राजा भैया को, और उसके बाद से यहाँ के समर्थक भी नाराज थे। राजा भैया जो पार्टी है उसके समर्थक जो है यहाँ पर वो नाराज थे। आज सुबह मिश्रा जो जिला अध्यक्ष है उनको प्रतापगढ़ बुलाया गया था, पता चल रहा है कि वो राजा भैया से मुलाकात किए हैं। मुलाकात करने के बाद वो वापस आते हैं। वापस आने के बाद यहाँ पे जो जिला अध्यक्ष है सपा के देवी चौधरी, उनको समर्थन लेटर देते हैं। हम दूसरी ओर बात करें, यहाँ पे जो सियासत की बात करें तो यहाँ पे मिर्जापुर में अगर देखा जाए तो दो दिग्गज नेता का भी एक अपना प्रभाव है जो बीजेपी के हैं। राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो अरुण सिंह हैं, जो मिर्जापुर के रहने वाले हैं, उनकी एक अपनी छवि है और वो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह। एक उनका जो ठाकुर वोट बैंक है उनके बड़े करीब वोट बैंक है। दूसरा यहाँ पे जो पूर्व में कभी बाहुबली कहे जाते थे एमएलसी सिंह है, उनकी एक अपनी पकड़ है ठाकुरों के बीच। एक यहाँ पे जो जिला अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण सिंह की अगर देखा जाए सियासी समीकरण तो उनकी भी पकड़ है। तो अगर ये कहा जाए कि राजा भैया को नाराज होने से पूरा जो ये वोट बैंक है वो एक तरफा हो सकता है या अनुप्रिया पटेल से नाराज हो सकता है, तो ये बिल्कुल मिर्जापुर में संभव नहीं दिखाई दे रहा है। जी, यानी बहुत ज्यादा अंतर आप फिलहाल नहीं देख रहे हैं। सुमित धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया, उनकी ओर से समर्थन दे दिया गया है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। यहाँ मिर्जापुर से दल एस की सांसद अनुप्रिया पटेल उम्मीदवार हैं जो कि एनडीए उम्मीदवार हैं, और समर्थन भले ही समाजवादी पार्टी को दे दिया गया है लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इसका बहुत ज्यादा असर होता रिजल्ट पर नहीं दिख रहा है।